हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हो इस तरह के एटीट्यूड स्टेटस वीडियो कैसे एडिट करते हैं, वो भी एलाइट मोशन ऐप में, जो दोस्तों आप लोग प्रीव्यू में देगा। दोस्तों, इस तरह का वीडियो आप लोग क्रिएट करना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप की जरूरत है। दोस्तों, आपके पास एलाइट मोशन ऐप नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके एलाइट मोशन ऐप को डाउन करना। फिर दोस्तों, आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को दो एक्सएमएल फाइल का लिंक मिलेगा। आप लोग को उन दोनों एक्सएमएल फाइल को, यानी कि आप लोग उन दोनों एक्सएमएल प्रोजेक्ट को आप लोग एलाइट मोशन ऐप में इनपुट कर लेना। दोस्तों, एक्सएमएल फाइल को कैसे एलाइट मोशन ऐप में इनपुट करते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप लोग उन दोनों एक्सएमएल फाइल को डाउन कर लेना। फिर दोस्तों, आप लोग यहाँ पे आपकी फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना। फिर आप लोग ऊपर में फर्स्ट में दिख पाओगे एक से की विवरण सूचन और दूसरा सॉन्ग विवरण सूचन। दोस्तों, यहाँ पे इस वाले एक्सएमएल फाइल को होल्ड करके रखना। फिर आप लोग यहाँ पे नीचे शेयर बटन को टैप करना। फिर आप लोग यहाँ पे एलाइट मोशन बटन को टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना। फिर आप लोग दूसरी बार को इस तरह आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होल्ड करके। फिर आप लोग नीचे शेयर बटन को टैप करना। फिर आप लोग यहाँ पे एलाइट मोशन बटन को टैप कर देना। दोस्तों, इस तरह आप लोग इन दोनों प्रोजेक्ट को एलाइट मोशन ऐप में इनपुट कर लेना। फिर आप लोग यहाँ पे एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। फिर आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट बटन को टैप करना। फिर आप लोग जो दो प्रोजेक्ट को, यानी कि जो एक्सेल फाइल को एलाइट मोशन ऐप पे इनपुट किया उसे आप ओपन में दिख पाओगे। फिर यहाँ पे आप लोग सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। दोस्तों, ओपन करने के बाद आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। दोस्तों, यहाँ पे जो इमेज लिया था, यानी कि स्विच ऑन जो म्यूजिक लेयर के ऊपर में जो इमेज लिया था, इस इमेज लेयर को टैप करना। फिर आप लोग कलर फील्ड में टैप करना। फिर आप लोग मीडिया बटन को टैप करना। फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की गैलरी ओपन जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोग आपकी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ऊपर में प्लस वाला बटन को टैप कर देना। फिर दोस्तों, आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। फिर इसके ऊपर में जो आप लोग ग्रुप लेयर देखेगी, इस ग्रुप लेयर को टैप करना। फिर आप लोग एडी ग्रुप में टैप करना। फिर यहाँ पे आप लोग सबसे नीचे एक इमेज लेयर देखेगी, इस इमेज लेयर को टैप करना। फिर आप लोग कलर फील्ड में टैप करना। फिर आप लोग मीडिया बटन को टैप करना। फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोग आपकी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग ऊपर में प्लस वाला बटन को टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। फिर आप लोग इस वाले ग्रुप लेयर से बढ़ जाना। बढ़ जाने के लिए आप लोग यहाँ पे इस वाले बटन को टैप कर देना। फिर दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करना। फिर यहाँ पे आप लोगों को एक और ग्रुप लेयर दिखेगी, यानी ग्रुप टू लेयर दिखेगी। आप लोगों को इस ग्रुप लेयर को टैप करना। फिर आप लोग एडी ग्रुप में टैप करना। फिर यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे सिक्स और ग्रुप लेयर दिखेगी। इस सिक्स ग्रुप लेयर के ऊपर आप लोग यहाँ पे इस वाले पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना, यानी कि जिस वाले पिक्चर को आप लोग अभी सिलेक्ट किए उस वाले पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों, सेट करने के लिए आप लोग ग्रुप लेयर को टैप करना। फिर आप लोग एडी ग्रुप में टैप करना। फिर आप लोग यहाँ पे नीचे इमेज लेयर देखिए, इस इमेज लेयर को टैप करना। फिर कलर फील्ड में टैप करना। फिर मीडिया में टैप करना। फिर आप लोग इस वाले इमेज को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना। फिर आप लोग ऊपर में प्लस वाले बटन को टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। फिर आप लोग इस वाले ग्रुप से बढ़ जाना। फिर आप लोग दूसरे ग्रुप लेयर को टैप करना। फिर आप लोग यहाँ पे एडिट ग्रुप में टैप करना। फिर आप लोग इमेज लेयर को टैप करना। फिर आप लोग कलर फील्ड में टैप करना। फिर आप लोग मीडिया बटन को टैप करना। फिर आप लोग इस वाले पिक्चर को आप लोग फिर से सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग ऊपर में प्लस वाला बटन को टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। फिर आप लोग इस वाले ग्रुप से बढ़ जाना। दोस्तों, यहाँ पे इस वाले पिक्चर को आप लोग इन सारे ग्रुप लेयर में सिलेक्ट कर लेना, यानी कि एक ही पिक्चर को आप लोग इन सारे ग्रुप लेयर में इस तरह आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। फिर दोस्तों आप लोग इस वाले ग्रुप से बढ़ जाना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे दूसरे ग्रुप लिया जाना, सूर्य वहाँ पे आना। फिर आप लोग इस वाले रेड लाइन पे आना, यानी कि 5.15 सेकंड वाला जो रेड लाइन है वहाँ पे आना। फिर आप लोग इस वाले रेड लाइन से वीडियो के लास्ट तक आप लोग यहाँ पे आपकी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों, पिक्चर सिलेक्ट करने के लिए आप लोग नीचे प्लस वाला बटन को टैप करना। फिर आप लोग मीडिया बटन को टैप करना। फिर दोस्तों आप लोगों को जिस पिक्चर को अभी सिलेक्ट किए हैं उस पिक्चर को आप लोग यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोगों को ऊपर में थ्री डॉट के ऊपर टैप करना। फिर आप लोग यहाँ पे फिल कॉम्बो से एरिया में टैप करना, यानी कि फुल स्क्रीन कर लेना। फिर आप लोग मूवमेंट ट्रांसफर के आके इसको आप लोग से एडजस्ट कर लेना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। फिर इसके बाद में जो रेड लाइन है वहाँ पे आना। फिर आप लोग इस वाले बटन को टैप करके आप लोग इसको ट्रिम कर लेना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। फिर यहाँ से आप लोग वीडियो के लास्ट तक आप लोग की अलग अलग पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों, पिक्चर ऐड करने के लिए आप लोग नीचे प्लस बटन टैप करना। फिर मीडिया में टैप करना। फिर आप लोग एक पिक्चर को सिलेक्ट करना। फिर आप लोग ऊपर में थ्री डॉट टैप करना। फिर आप लोग फिर कॉम्बो में टैप कर देना। फिर इसके बाद में रेड लाइन है वहाँ पे आना। फिर आप लोग इस बटन टैप करके इसको ट्रिम कर लेना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। आप लोग फिर से नीचे प्लस वाला टैप करना। फिर मीडिया में टैप करना। फिर एक पिक्चर को सेट करना। फिर ऊपर थ्री डॉट के ऊपर टैप करके आप लोग फिल कॉम्स एरिया में टैप कर देना। फिर इसके बाद में जो रेड लाइन है वहाँ पे आना। फिर आप लोग इस वाला बटन को टैप करके आप लोग उसको ट्रिम कर लेना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना।
फिर यहाँ पे दोस्तों जो ग्रुप लेयर है, इस ग्रुप लेयर को इस सारे पिक्चर लेयर के ऊपर में आप लोगों को ले आना, होल्ड करके आप लोग इस सारे पिक्चर लेयर के ऊपर आप लोग यहाँ पे ले आना। फिर दोस्तों फिर से आप लोग इस वाले लाइन पे आना, फिर नीचे प्लस वाला टैप करना, फिर मीडिया में टैप करना, फिर आप लोग एक पिक्चर को सेट करना, फिर ऊपर में थ्री के ऊपर टैप करके आप लोग फिर कम से में टैप कर देना, फिर इसके बाद में लाइन पे आना, फिर आप लोग इसको ट्रिम कर लेना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना दोस्तों। इस तरह आप लोग यहाँ पे आपकी नॉर्मल पिक्चर को ऐड कर लेना। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मैं पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पिक्चर ऐड हो जाने के बाद आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट से बढ़ जाना, फिर आप लोग यहाँ पे सेक पेड प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोगों को सबसे नीचे एक पिक्चर लिया देखिए, इस पिक्चर टैप करना, फिर आप लोगों को फिर टैप करना, फिर थ्री डॉट के ऊपर टैप करके आप लोग कॉपी पेस्ट कर देना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। फिर आप लोग ऊपर में तीन सीसी लिया देखिए, इन तीन लेयर को आप लोग यहाँ पे होल्ड करके सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग ड्रॉइंग बॉक्स से टैप करके आप लोग कॉपी सिलेक्ट कर देना, फिर आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट से बढ़ जाना, फिर आप लोग यहाँ पे सॉन्ग बिना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोग वीडियो के फर्स्ट में लाना, फिर आप लोग ड्रॉइंग बॉक्स से टैप करके आप लोग पेज सिलेक्ट कर देना, फिर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करना, फिर आप लोग जहाँ पे पिक्चर ऐड किए है यानी कि 5.15 सेकंड से वीडियो के लास्ट तक आप लोग जो पिक्चर ऐड किए है इस वाले इफेक्ट को आप लोग इन सारे पिक्चर लेयर में आप लोग पेस्ट कर लेना। दोस्तों पिक्चर लेयर में इफेक्ट पेस्ट करने के लिए आप लोग पिक्चर टैप करना, फिर आप लोग इफेक्ट बटन को टैप करना, थ्री डॉट के ऊपर टैप करके आप लोग पेस्ट इफेक्ट कर देना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना, फिर आप लोग दूसरे पिक्चर लेयर को टैप करना, फिर आप लोग इफेक्ट बटन को टैप करना, थ्री डॉट के ऊपर टैप करके आप लोग पेस्ट इफेक्ट कर देना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना, फिर आप लोग तीसरे पिक्चर लेयर पे आना, फिर आप लोग पिक्चर टैप करना, इफेक्ट बटन को टैप करना, थ्री डॉट के ऊपर टैप करके आप लोग पेस्ट इफेक्ट कर देना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। दोस्तों इस तरह आप लोगों के इन सारे लेयर में यानी कि इन सारे पिक्चर लेयर में आप लोग इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। दोस्तों वीडियो को पॉज करके मैं इन सारे पिक्चर लेयर में इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जिस तरह मैंने दिखाया उस तरह आप लोग इन सारे पिक्चर लेयर में आप लोग इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। दोस्तों इन सारे पिक्चर लेयर में इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आप लोग वीडियो के फर्स्ट में ना, फिर आप लोग यहाँ पे जो थ्री लेयर को आप लोग यहाँ पे पेस्ट किए इन थ्री लेयर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग वीडियो के लास्ट में चले आना, फिर आप लोग नीचे इस वाले बटन को टैप कर देना, यानी कि इन तीनों इफेक्ट लेयर को आप लोग वीडियो के लास्ट तक कर लेना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ा जाना। दोस्तों यहाँ पे 99% काम हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ इस वाले स्टेटस वीडियो के गाने को आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। दोस्तों सॉन्ग ऐड करने के लिए आप लोग नीचे प्लस वाला टैप करना, फिर आप लोग मीडिया में टैप करना, फिर मैं दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले वीडियो के यानी कि इस वाले स्टेटस वीडियो की डाउनलोड की लिंक देंगे आप लोगों को। आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो को आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, फिर दोस्तों आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ऊपर में प्लस वाला बटन को टैप करना, फिर आप लोग जिस वीडियो को आप लोग सिलेक्ट किए हैं इस वीडियो लेयर के ऊपर टैप करना, फिर आप लोग ऊपर में थ्री के ऊपर टैप करना, फिर आप लोग यहाँ पे नीचे एक्सट्रैक्ट ऑडियो में टैप कर देना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना, फिर आप लोग जिस वीडियो को सिलेक्ट किए हैं उस वीडियो लेयर को टैप करना, फिर आप लोग ऊपर में डिलीट बटन को टैप कर देना। दोस्तों इस तरह आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो के गाने को आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। दोस्तों यहाँ पे सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे इस वाले स्टेटस वीडियो यहाँ पे कम्प्लीट हो चुकी है। दोस्तों इस वाले स्टेटस वीडियो यहाँ पे फुल कम्प्लीट हो जाने के बाद आप लोग ऊपर में इस वाले बटन को टैप करना, फिर आप लोग यहाँ पे वीडियो बटन को टैप करके आप लोग यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट बटन को टैप कर देना। दोस्तों वीडियो एक्सपोज होने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे सेव वाले बटन को टैप करके आप लोग वीडियो को सेव कर लेना। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।